हेलो गाइस, वेलकम टू सेज। आज हम खेलने वाले हीरोज ऑफ माविया। ये इसका भी बीटा रिसेंटली ही आया है एंड हमें इसके एसेस मिला है। बहुत लिमिटेड लोग के पास ये एसेस है। ओके, तो मैं आपको गेम एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें। आपने अगर क्लैश ऑफ क्लैंस खेला तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा ये बेस बिल्डर गेम होने वाला है। एंड आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर गोल्ड कलेक्टर है, देन ऑयल रिंग्स है जो कि क्लैश ऑफ क्लैंस में जैसे एलिक्सर का होता था वैसे यहाँ ऑयल है। एंड हमारे ट्रूप्स रेडी हो चुके हैं। मैं आपको अटैक करके भी दिखाऊंगा, देन एक बार मैं आपको सारी चीज़ दिखा देता हूँ। ओके, बेस का सारा चीज़ दिख रहा है। तो आप बेस देख सकते हो, बेस काफ़ी बड़ा है एंड इसमें लाइक थोड़ा आउटर चीज़ें भी काफ़ी सारी है एक्सप्लोर करने के लिए। इंजीनियर हट है जो कि हमारे वर्कर्स है जो सारा कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो हमारा टाउन हॉल वो है हेडक्वार्टर, लेवल 3 का ऑलरेडी हो चुका है। एंड हमारे पास कैनन्स की जगह टरेंट है एंड स्नाइपर टावर है, देन बोल्टार है। मैं साथ ही में आपको आर्मरी से बाकी चीज़ें भी दिखाऊंगा। देन हमारे पास रिसर्च की लेबोरेटरी है जहाँ पर आप अपने हीरोज़ को अपग्रेड वगैरह कर पाओगे। अभी तो काफ़ी हैवी कॉस्ट है, 25,000 ऑयल लग रहा है। ओके, देन हमारे पास व्हीकल फैक्ट्री है। व्हीकल फैक्ट्री में आप कुछ बॉम्बर वाली व्हीकल्स बना पाओगे, जैसे ये एक व्हीकल है बॉम्ब कार्ट जो कि वॉल को टारगेट करती है, फेवरेट टारगेट वॉल। ओके, मैं आपको फिर ट्रूप्स का भी एक बार सब साथ में बताता हूँ। एंड हमारे पास गोल्ड स्टोरेज है, देन ऑयल स्टोरेज है, रिले पॉइंट है जहाँ पर हमारी सारी आर्मी रेडी रहती है। आप वॉल्स देख सकते हो, वुडन वॉल्स है जो लेवल 1 की है एंड लेवल 2 की वॉल थोड़ी सी लाइक स्टोन स्ट्रक्चर देगी लेवल 2 लेवल 3 पे। बैरैक्स है, बैरैक्स में आप वही अपने ट्रूप्स को रेडी करते हो जिस जिसको ट्रेन करना है। ओके, इसके अलावा और कुछ तो नहीं बचा। एंड मैं आपको एक बार आर्मरी दिखा देता हूँ जहाँ से हम काफ़ी और न्यू चीज़ें जो लाने वाले हैं। ओके, डिफेंस में आप देख सकते हो स्नाइपर टावर है, एंटी एयर मिसाइल्स ये एयर टारगेट्स को मारने के लिए है। देन वॉल्स है हमारे पास, अभी 50 वॉल्स हम लगा चुके हैं और धीरे धीरे अपग्रेड के बाद नए वॉल्स मिलेंगे। देन फ्लेम थ्रोवर है यहाँ पर, किसी का एक बार कुछ सीन नहीं दिखा एनिमेशन। ओके, डिफेंस के लिए फ्लेम थ्रोवर है, देन टोरेंट है जो ऑलरेडी मैं दिखाया था जो इनबिल्ड लगा हुआ है, देन रॉकेट टावर ये भी एयर मिसाइल्स लाइक ऊपर के टारगेट्स के लिए। आइस टावर है, ये हमने ट्रेलर में देखा था कि जो आइस फ्रीज कर देता है जो एनिमी को। एंड हमारी मोर्टार जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हो। देन रिसोर्सेस में आते हैं तो गोल्ड कलेक्टर, ऑयल रिंग, ऑयल स्टोरेज, गोल्ड स्टोरेज। आर्मी में देखेंगे तो हीरो है, हीरो अभी इसमें एक ही है आई थिंक, हीरो का नाम यहाँ दिख जाएगा। हाँ, मीरा हमारी हीरो है जो अभी कौन से लेवल पे मिलने वाली है, आई थिंक टाउन हॉल 4 या 5 पे हमें हीरो मिल जाएगा। देन एयरक्राफ्ट फैक्ट्री है जिसमें आप जो एयर अटैक करने वाले हो उसकी सारी चीज़ें यहाँ बना पाओगे। रिले पॉइंट हम देख चुके हैं जहाँ पर आपकी आर्मी रहेगी। लेबोरेटरी है जहाँ पर आप अपनी आर्मी को अपग्रेड कर सकते हो। व्हीकल फैक्ट्री जहाँ पर हम बॉम्ब कार्ट जैसी चीज़ें बना सकते हैं, जो नीचे ग्राउंड व्हीकल्स रहेगी वो रहेगा। एंड बैरैक्स। ओके, रिसोर्सेज में आप ऑयल बाय कर सकते हो एंड गोल्ड बाय कर सकते हो। अभी लाइक बाइंग के लिए कोई कॉइन परचेस का दिया नहीं, जस्ट 50 ये कॉइन दिए, बट इन फ्यूचर ये रूबी के थ्रू रहेगा या माविया टोकन के थ्रू रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आर्मरी। प्रोफाइल देख सकते हो, प्रोफाइल पिक्चर यहाँ आपका लेवल दिखाता है, कितने आपने रैंक टोटल ट्रॉफीज कलेक्ट किए हो, कितने स्टार जीते हो, कितने अटैक जीते हो, डिफेंस जीते हो, ये दिखाता है। अभी मैं iOS डिवाइस में खेल रहा हूँ, ये एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, बट अभी सिर्फ लिमिटेड लोग खेल सकते हैं। धीरे धीरे ये और लोगों के लिए भी अवेलेबल होगा। गेम काफ़ी स्मूथ फील देगा आपको। iOS में काफ़ी स्मूथ है, एंड्रॉयड में हल्का लैगिश फील देता है। ओके, इसके अलावा आप राइट साइड टॉप पे देख सकते हो आपकी शील्ड एक्टिव दिखा रही है 4 आवर्स के लिए। देन दो बिल्डर आपके अभी फ्री है जिन्हें हमें वर्क पे लगाना है। देन हमारा गोल्ड का स्टोरेज कितना है, टोटल कितना गोल्ड हमारे पास अभी कलेक्टेड है, ऑयल कितना है, ऑयल कितना कलेक्टेड है। एंड यहाँ रूबी टोकन का एक आइकन बना है आई थिंक, देन ये माविया टोकन होगा जिसको अभी क्लेरिफाई नहीं किया गया कौन सा टोकन है, अभी कमिंग सून पे ही है। काफ़ी चीज़ कमिंग सून पे है यहाँ पर। ये राइट साइड का जो कमिंग सून दिखा रहा है आर्मरी के ऊपर, ये आई थिंक बेस एडिट का है।
एंड अभी हमें इन्हें फीडबैक प्रोवाइड करना है ताकि गेम में कुछ इम्प्रूवमेंट लाइक आते जाए, कुछ चीज़ें चेंज करना होगा वो हम बता सकते हैं फीडबैक के थ्रू। ओके सो नेक्स्ट चीज, मैं एक बार आपको सारा लैंड दिखा देता हूँ। आई नो इतना बड़ा लैंड बनाए हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये स्क्वायर में हमारा बेस है। बेस के अलावा लेफ्ट हैंड साइड में भी काफ़ी चीज़ें, यहाँ पर कुछ एयर बलून उड़ रहे हैं, ये क्या है अभी कोई आइडिया नहीं है। देन ओ भाई, ये घर अपडेट कर दिए, यहाँ एक ऐसा घर बना हुआ है, ये हमारे पड़ोसी ये बोल सकते हैं हम। ओ नहीं, यहाँ भी है। ओके, यहाँ एक कैसल टाइप बड़ा जान का घर और एक है, और यहाँ विलेजर्स रह रहे हैं ऐसा लग रहा है, काफ़ी सारे घर है छोटे छोटे। अभी कोई आइडिया नहीं है कि ये सब क्यों है, मे बी आगे जाके कुछ यूज़ केस होता है या कुछ रहता होगा शायद, मे बी मिशंस वगैरह। ओके, ये आप देख सकते हो, ये है रूबी, ये रूबी का अलग से एक माउंटेन टाइप दिखाया है, यहाँ पर काफ़ी सारा रूबी भी गिरा पड़ा है। ओके, ये रेलवे है क्या? नहीं, पता नहीं क्या है ये, कुछ तो है ट्रैवलिंग के लिए ही है। पेड़ वगैरह यहाँ, नारियल के ट्री लगे। ओके, ये माउंटेन पे यहाँ एक घर है, देन यहाँ पर एकदम एक थॉर वाला स्टैचू, आई थिंक ये वॉरियर का स्टैचू है जो हमारे ऑलरेडी बेस पे ट्रूफ्स है। एंड ये क्या है भाई, टॉयलेट पेपर टाइप दिख रहा, नो आइडिया क्या है। यहाँ किसी की डेड बॉडी है, कोई चूहे की है लग रहा। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, देन यहाँ वाटर पानी का टेक्सचर वगैरह दिखा है, अभी तो उतना खास नहीं है, बट पानी के अंदर स्टारफिश दिख रही है। एंड यहाँ पर पूल हाउस टाइप छोटी छोटी चीज़ें बनी है स्कीइंग वगैरह करने के लिए। आई डोंट नो, इतना सारा चीज़ है कि क्या क्या यूज़ केस रहेगा पता नहीं, मतलब इनका क्या यूज़ रहेगा। ओके, यहाँ पर एक पूरा खाई टाइप, क्या है भाई ये? ओके, एक और स्टैचू है यहाँ, देन एक और किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई, राक्षस टाइप दिख रहा है तो। तो काफ़ी बड़ा बेस, मतलब बेस के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर के लिए दे दी है। ओके, तो अब मैं आपको अटैक करके दिखाता, थोड़ा अटैक कर लेते, थोड़ी चीज़ें अपग्रेड पे डाल देते हैं। ओके, तो चलते हैं अटैक करने। मैंने पूरे वॉरियर्स बना के रखा हूँ ग्राउंड अटैक के लिए। लूट तो उतनी है नहीं यहाँ, बट एक अटैक दिखा देता हूँ। ओके चलो, वॉल ब्रेकिंग वाला भी चेक करेंगे। तो पहले मैं रूप्स डाल देता हूँ, ओके वॉल ब्रेक हो गई भाई। गेम साउंड काफी है, आई थिंक इतने इनफ रहेगा। ग्रॉबर एक बार चेक करना ना, गेम साउंड और मेरा साउंड ज्यादा कम ज्यादा तो नहीं है। ओके, तो हमारा अटैक आराम से हम जीत चुके हैं। गाइस, ये हीरोज ऑफ माफिया के एकदम अर्लीस्ट बीटा है। ओके डन, अटैक हो चुका है, जीत चुके हैं। थोड़ा और रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, गोल्ड माइन अपग्रेड करना है। चलो, जब तक एक और छोटा अटैक कर लेते हैं, काफ़ी सारे अटैक हो गए, ट्रॉफीज काफ़ी बढ़ चुकी है। के 900 900, ये भी ख़त्म मार तो सकते हैं, फिर सब सब यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि स्नाइपर्स की हेल्थ उतनी नहीं होती, तो स्नाइपर्स जल्दी मर जाएंगे। ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। ये मरते टाइम कैसे दिखते हैं एकदम, एंड थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं। एनीवेज गाइस, ये लाइव स्ट्रीम ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे क्योंकि गेम काफ़ी न्यू है, तो ज़्यादा चीज़ें शो करने के लिए है नहीं।
वीकली हम ट्राई करेंगे इसकी एक से दो लाइव ला सके, जिसमें आपको ये गेम अच्छे से हम दिखा देंगे, थोड़ा अपग्रेड वगैरह करके, एंड क्या क्या न्यू वेपन्स वगैरह अनलॉक हो चुके हैं, तो लाइक ट्रूप्स वगैरह लाएंगे, तब तक थोड़ा अपग्रेड भी हो जाएगा, न्यू चीज़ें हो जाएगी आपको दिखाने के लिए। एंड ऐसे ही गेम कंटेंट के लिए एकदम फेस को सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन यहाँ से दबा लेना, ताकि आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहे। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, ज्वाइन सेज, ज्वाइन द न्यू ईरा ऑफ गेमिंग।